हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे मैथ के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आपका गिवन है कि एक मैन कैन रो अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम और रिटर्न, मतलब इसी 30 किलोमीटर रिटर्न होता है, टोटल 8 आवर लगता है। तो देखिए, डाउन स्ट्रीम में होता है क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है आप समझिए। डाउन स्ट्रीम होता है कि आप, ये मैन का स्पीड इधर है तो बोट का भी स्पीड आपका क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम में हो गया। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा कि देखिए, मैन इधर रहेगा और बोट का स्पीड इधर ही रहेगा, क्योंकि नदी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, मैन अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। नदी जिस डायरेक्शन फ्लो होना रहता है तो वो तो उसी डायरेक्शन फ्लो करते रहेगी। तो देखिए, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, क्या हम पहले हम देख रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों का स्पीड, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट जो जो भी कह लें, बी प्लस सी, स्पीड ऑफ करेंट को ऐड कर देंगे। और इसका टाइम नहीं गिवन है तो हम इसका टी वन मान लेते हैं। फिर इसी तरह हम रिटर्न का भी करेंगे, रिटर्न में डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ बी माइनस सी कर दीजिए और इसको आप टी टू लिख दीजिए। तो देखिए, यहाँ आपको टोटल टाइम गिवन है टी वन प्लस टी टू, कितना गिवन है 8 आवर्स, 8 आवर्स गिवन है यहाँ टोटल टाइम। देखिए टोटल, तो देखिए आप टी वन का वैल्यू यहाँ लिख पुट कीजिए 30/B+C, फिर यहाँ टी टू का वैल्यू पुट कीजिए 30/B-C, B-C = 8। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। देखिए, अब फिर आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 4 times ऑफ स्पीड ऑफ करेंट। मीन्स तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं B upon C 4:1। तो देखिए, ये रेशियो तो हम इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे, 4x/x। तो देखिए, b और c का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो देखिए इक्वेशन वन में तो आपको क्या आएगा, 30/ देखिए B+C 5x आ जाएगा, प्लस 30/ B-C की जगह 4x-x 3x आ जाएगा, = 8। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 5 से x 6 टाइम हो गया, 3 से 10 टाइम्स हो गया। तो देखिए, आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो आप इसमें पुट कीजिएगा तो बी कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर, और सी कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। और आपको क्या क्वेश्चन में निकालना है, स्पीड ऑफ करेंट, जिसको हमने सी माना है। देखिए, स्पीड ऑफ करेंट को हमने क्या माना है, सी। तो सी का वैल्यू आपका कितना है, 2 किलोमीटर। मीन्स आपका आंसर कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर रहा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, कोई एक निश्चित आदमी, मैन का मेरे पता नहीं, तो हमने यहाँ एक्स मान लिया, कैन डू अ जॉब इन 15 डेज, 15 दिन में काम करते हैं। फिर क्या, इफ देर आर 5 अगर आदमी और कम होते तो उसको 3 दिन और एक्स्ट्रा लगते इसी काम को करने में। तो देखिए, पहले एक्स आदमी 15 दिन काम किया, तो समझिए कुछ यूनिट बनाएगा, इज इक्वल टू इसी काम को करने में 5 आदमी हमने क्या कर दिए, कम कर दिए। तो एक्स माइनस 5 कर दिए, और क्या किए हम, देखिए यहाँ हमने 3 डे बढ़ गया, तो पहले 15 दिन में करते थे, अब हो गया 18 दिन, 3 15 में ऐड कर दें 18। तो आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, आपका एक्स का वैल्यू आपको निकल गया 30। मीन्स टोटल मेन आपका कितना आ गया, 30। फिर आगे आपको क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, कंप्लीट अ वर्क इन 22.5 डेज। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे टोटल वर्क। तो देखिए, टोटल वर्क मतलब देखिए कितना काम, 30 मैन है, 15 दिन काम किया, तो यही हो गया ना टोटल काम, ठीक। तो 30 मैन 15 दिन काम किया, तो ये आपका कितना हो गया, 450 आपको क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। फिर आपको क्या है, देखिए अब ये टोटल वर्क आपको 450 आ गया, आपको निकालना है कि ये 450 वर्क
450 वक्त 22.5 दिन में होगा, 22.5 दिन में कंप्लीट किया जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ मैन की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए आप यहाँ से नंबर ऑफ मैन निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मैन निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, डेज कर दीजिए। तो देखिए टोटल वर्क कितना है 450, और यहाँ पर क्या है डेज कितना है 2250 डेज, मतलब 22 का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो 45/2 आ जाएगा। तो देख अपॉन 2 होगा, तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसे सीधे ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको यहाँ से 20 मैन निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर, 20 मैन की ज़रूरत होगी 22.5 दिन में इसी काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि अर्जुन, ब्रिजेश और चंदन इन्वेस्ट 50,000 को स्टार्टअप के लिए सेम टाइम पे इन्वेस्ट करता है। तो देखिए अर्जुन को हमने क्या मान लिया, ए मान लिए, फिर ब्रजेश को बी मान लिए, फिर चंदन को सी मान के कितना इन्वेस्ट किया 50,000। फिर आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ए अर्जुन, बी ब्रजेश, सी चंदन। आगे आपके क्या, अर्जुन इन्वेस्ट 4,000 मोर देन ब्रजेश। तो देखिए हमको ब्रजेश तो पता नहीं है ना कि कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन आगे हम और बढ़ते हैं तो देखते हैं फिर ब्रजेश इन्वेस्ट 5,000 मोर देन सी, मतलब ब्रजेश भी कितना कर रहा है। देखिए अर्जुन तो इससे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन ब्रजेश भी इससे ज़्यादा कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो चंदन एक्स इन्वेस्ट किया, तो ब्रजेश कितना किया मोर देन 5,000 मोर देन, तो आप एक्स में आप 5,000 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह आपको क्या बोला गया, अर्जुन 4,000 मोर देन ब्रजेश। देखिए ब्रजेश एक्स प्लस 5,000 है, तो इसमें 4,000 और ऐड कर दिएगा तो एक्स प्लस यहाँ 9,000 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए फिर अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू ये तीनों ए बी सी का वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हम निकाल देंगे। तो आप इसमें यहाँ पुट कीजिएगा तो x प्लस 9,000 प्लस x b का x प्लस 5,000 प्लस x इज इक्वल टू 50,000। तो देखिए आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000 आपको निकल के आ जाएगा। मीन्स 12,000 निकल के आ जाएगा, तो c का आपको कितना आ जाएगा, आपको 12,000 हो जाएगा। अब b का कितना हो जाएगा, 12 में आप कितना ऐड कीजिएगा 5, तो 12 17,000 हो जाएगा। इसी तरह आप a का निकालिएगा तो a का कितना आ जाएगा, आप 12 में आप 9 जोड़िएगा तो 21,000 आ जाएगा। और देखिए आगे आपको क्वेश्चन में गया कि व्हाट अमाउंट विल अर्जुन रिसीव आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, या प्रॉफिट दिया हो, आप इस बात को समझिए। देखिए क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और आई इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट, मीन्स जो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, मतलब जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में इसका प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट तो हमको गिवन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो गिवन है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे तो ए का कितना 21,000 है, ए का कितना 21,000 है, इसी तरह कितना है बी का कितना 17,000 है, 17,000 है, इसी तरह सी का कितना है 12,000 है। तो देखिए आप 3 0 3 0 3 0 कैंसिल आउट कर दिए थे, इसका 21 17 12 के रेशियो आ गया। तो आप आपको देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया, यही इसका क्या हो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। तो आपको ए का निकालना है, अर्जुन मतलब ए का निकालने के लिए अब देखिए क्या कीजिए, अर्जुन का कितना 21 है, तो देखिए मैं इसी कारण इसको करेक्ट किया था, 21/50 यहाँ आप जोड़िएगा 21 17 12 तो यहाँ 50 अपॉन कर दीजिए एंड टू 35
1000 कर दीजिए, तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको आंसर कितना आएगा 7700 मीन्स आपको कितना आ जाएगा आंसर आपका, देखिए 14700 रुपया ए का आ जाएगा प्रॉफिट का, 35,000 में से 14,700 ए के द्वारा, ए मीन्स अर्जुन के द्वारा रिसीव किया गया प्रॉफिट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ मैन सोल्ड अ बुक लॉस ऑफ 15%, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ सीपी लिख लेते हैं या एसपी लिख लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट पैक कितना 100 है, उसने क्या किया 15% लॉस कर दिया। तो 100 का 15% आप निकालिए तो 15 और 100 में 15 माइनस कीजिए तो 85 में बेचा। हैड ही सोल्ड द बुक 132 रुपया मोर ही वुड लॉस्ट, फिर भी अगर वो 132 रुपया और इससे बढ़ा के बेचता फिर भी उसको लॉस 3% होता है। तो देखिए मान लेते हैं 100 रुपया था, अब इसको 3% लॉस पे बेचा मतलब 97 में बेचा, फिर भी उसको कितना, तो ये 97 में बेचा तो अब क्या हो गया, एक कितना बढ़ा, पहले सेलिंग 85 में था अब 97 में कर रहा है, तो कितने ये देखिए ये डिफरेंस कितने का हो गया, ये डिफरेंस आपको 12 का हो गया और 12 आपको 132 रुपया के बराबर दिया हुआ है, 12 आपका जो है 132 रुपया के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एक का निकाल लेंगे तो एक का कितना आ जाएगा 12 11 रुपया। तो देखिए आप इस एक पार्ट का और कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, तो आप 100 में निकाल लीजिएगा जो कि सीपी के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा, यह इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में इन ऑर्डर टू गेन 7%, 7% उसको गेन करने के लिए किस रेट में बुक को बेचना चाहिए। तो आप देखिए 1100 का आप 7% निकाल दीजिए तो 107/100 कर दीजिए, आप 2 0 से 2 0 कैंसिल, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1177 इतना रुपया में वो बेचेगा बुक को, तो उसको 7% क्या होगा प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको है कोई एक मिक्सचर है 84 लीटर का, ठीक है मिक्सचर। तो देखिए यहाँ मिक्सचर है कितना का है 84 लीटर का है, और इस मिक्सचर में क्या क्या है, कोक CO ले लेते हैं और सोडा को SO लिख लेते हैं, ये कितना है 3:4 में है, ठीक। तो देखिए आप देखिए यहाँ पहले ऊपर में कोक लिख देते हैं और नीचे में क्या लिख लेते हैं सोडा। तो देखिए 84 लीटर मिक्सचर में 3 और 4 रेशियो में बांटना है, तो कोक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 84 कीजिए, 84 इंटू कितना है कोक 3 है, 3 अपॉन टोटल कितना है, ये टोटल करिएगा तो आपको 7 आएगा, तो आप अपॉन 7 में कर दीजिएगा तो 7 से 12 मरते मीन्स आपका कोक कितना आ जाएगा, कोक कितना आ जाएगा 36, ठीक है अपॉन। अब देखिए 84 में से आप 36 घटा के सोडा का ही निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 84 में 4/7 भी करके आप निकाल सकते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 48। तो ए कितना हो गया, कोक 36 हो गया और सोडा कितना हो गया 48 लीटर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपको गिवेन है कि 14 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 14 लीटर इस मिक्सचर को निकाल लिया गया। और हाँ दोस्तों आप यहाँ ध्यान देना कि जो भी हम पार्ट निकालेंगे इसी रेशियो में निकालेंगे, ठीक है 14 लीटर निकाल लिया गया। तो देखिए अब 14 लीटर में कोक भी होगा सोडा भी होगा, तब कोक कितना होगा 14 लीटर में, तो कोक को कैसे निकालेंगे, देखिए 14 कोक कितना है 3 और टोटल कितना 7, ठीक है यहाँ 7 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 6, तो मतलब 6 लीटर कोक निकला, तो माइनस 6 कर दीजिए। और देखिए टोटल 14 था, 14 में से 6 निकल गया तो 8 कितना हो गया सोडा निकल गया, ठीक है यहाँ तक तो क्वेश्चन सही है। अब क्या है एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर सोडा, सिर्फ यहाँ देखिए सोडा बोला है, तो देखिए सोडा नीचे है तो इसमें आप 10 ऐड कर दीजिए, ठीक है आप 10 ऐड कर दीजिए, अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30/50, ठीक है मीन्स आपका यहाँ देखिए कोका सोडा मिलकर टोटल के ये तो 30 लीटर हो गया, ये 50 लीटर हो गया,
और यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि टोटल टोटल, तो देखिए टोटल कितना यहाँ हो गया, टोटल देखिए 50 और 30, 30 प्लस 50 80 लीटर, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर 80 लीटर में कितना परसेंट कोक है, कोक का आपको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए कोक कितना है 30, टोटल कितना 80/80 कर दीजिए, सॉरी अपॉन 80 कर दीजिए इनटू 100। तो आपको देखिए आपको यहाँ से जीरो कैंसिल आउट, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा 3/8 का, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 37.5% आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत।